हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अजीम फार्मा पे। क्या आप परेशान हो चुके हैं सर्दी जुखाम खांसी से? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सिरप के बारे में बात करेंगे जिसको पीने के बाद ये सारी समस्या आपकी जड़ से ठीक हो जाएंगी। इस सिरप का नाम है एलक्स सिरप। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि आखिरकार यह सिरप होती क्या है, इस सिरप पीने के फायदे और नुकसान क्या हैं, इस सिरप को कब और कैसे पीना है, पीने का सही तरीका क्या है। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। इस सिरप को ग्लेनमार्क कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके कंपोजिशन में फिनाइलएफ्रिन, क्लोरफिनामिड मिलेट, इसके अलावा डेक्सामेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड इसमें शामिल रहता है। और दोस्तों, 100 ml सिरप की बोतल आपको मेडिकल स्टोर पे 130 रुपए तक आपको मिल जाती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस सिरप पीने के फायदे के बारे में। इस सिरप का इस्तेमाल ड्राई कफ के इलाज में करते हैं, यानी कि इस सिरप का इस्तेमाल सूखी खांसी के इलाज में करते हैं। इसके साथ साथ इस सिरप का इस्तेमाल सर्दी जुखाम के इलाज में करते हैं। और दोस्तों, यह सिरप जो होती है एलर्जी कंडीशन को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है, जैसे कि एलर्जी के कारण छींक आना, एलर्जी के कारण आंखों से पानी आना, एलर्जी के कारण नाक से पानी बहना, तब दोस्तों इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, यह सिरप जो होती है बंद नाक को खोलने का काम करती है। दोस्तों, यही होते हैं इस सिरप पीने के फायदे। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इस सिरप को कब और कैसे पीना है, पीने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, इस सिरप का इस्तेमाल अडल्ट में 10 ml सिरप दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, चाइल्ड में इस सिरप का इस्तेमाल 5 ml दिन में 2 से 3 बार आप बच्चे को दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस सिरप का इस्तेमाल लगातार 5 से 6 दिन तक करते हैं तो दोस्तों आप यकीन मानिए कि आपके शरीर में इसके इफेक्ट अच्छे दिखाई देने को मिल सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, इसके ओवरडोज से आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको धुंधलापन दिखाई पड़ सकता है, आपके सिर में दर्द हो सकता है, आपको कब्ज की समस्या हो सकती है, आपकी भूख में कमी भी हो सकती है। दोस्तों, अगर इसमें से या फिर इसके अलावा कोई भी साइड इफेक्ट दिख रहे हैं, फर्दर इस सिरप का इस्तेमाल ना करें और अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। यही थी आज की जानकारी एलक्स सिरप के बारे में। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी, वीडियो करें लाइक और लाइक करने के साथ साथ चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।